गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजू कंवर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करना है वह निकालेंगे। सिंगल स्टेज के लिए हम बैंडविड्थ पहले निकाल चुके हैं। सिंगल स्टेज के लिए लो 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड हाई 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों का समेशन जो होता है, और सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के लिए हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी करने से आ जाती है। अब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर जब होगा तो यहाँ पे एस्ट्रिक जो सिंबल मैं यूज़ कर रही हूँ वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के लिए है, तो जहाँ पर भी एस्ट्रिक यूज़ हो रहा है तो प्लीज़ आप इसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर समझिएगा। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ का फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा एफ एच एस्ट्रिक माइनस एफ एल एस्ट्रिक। वॉट इज़ एफ एच एस्ट्रिक? एफ एच एस्ट्रिक इज हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। एफ एल एस्ट्रिक क्या है? लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो दोनों का सम हो जाएगा बैंडविड्थ ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। अब देखिए, जब मैंने एन स्टेजेस को कैस्केड किया है, एक जैसी आइडेंटिकल स्टेजेस को कैस्केड किया है, तो एफ एच मेरा न्यू क्या आ जाएगा? हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरी नई हो जाएगी अब एफ एच एस्ट्रिक, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी नई आ जाएगी एफ एल एस्ट्रिक। तो ये दोनों कैलकुलेट करके हम नई बैंडविड्थ निकालेंगे जो कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ होगी। गेन का फॉर्मूला हमने पहले वाले लेक्चर से डिराइव किया, तो मेरा गेन का फॉर्मूला आ रहा है ए इज इक्वल टू 1/√1 f/fh का होल स्क्वायर। अब जब एन स्टेजेस को कैस्केड किया है तो गेन एन टाइम्स बढ़ जाएगा, तो नया जो गेन है दैट इज ए एस्ट्रिक, तो ए एस्ट्रिक इज इक्वल टू 1/√1 f/fh का होल स्क्वायर, और इस पूरे होल का 2n। एफ जब आप 0 लेंगे तो आपका ए आ जाएगा 1। एफ को जब आप एफ एच के इक्वल एस्ट्रिक के इक्वल रखेंगे तो आपका गेन आ जाएगा 1/√2। तो इन चीज़ों को आप अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे ऊपर वाले में और कैलकुलेट करेंगे, तो 1/√2 इज इक्वल टू 1/√f1 f की जगह मैंने रख दिया एफ एच एस्ट्रिक, एफ एच एस्ट्रिक रख दिया एफ की जगह मैंने, और नीचे एफ, तो इसका होल स्क्वायर पूरे का 2n। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो √1 f/f का होल स्क्वायर एक साइड में LHS में, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 2√2n। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मेरा यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 f/f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√1n। 1 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो एफ एच एस्ट्रिक अपॉन एफ अपॉन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2√1n-1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरा एफ एच एस्ट्रिक आ जाएगा एफ एच इन टू √2√1 n/(n-1)। तो अब मल्टी स्टेजेस लेने से मेरा एफ एच एस्ट्रिक जो है वो कम हो गया है, यानी हायर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है मेरी कम हो गई है और ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। देखिए डायग्राम में देखते हैं, एफ एच इज हायर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल स्टेज, जो पहले आप एफ एच देख रहे हैं नीचे की तरफ, और अब जो हो गई एफ एच एस्ट्रिक के ऊपर देख रहे हैं थोड़ा लेफ्ट में शिफ्ट हो गई एफ एच एस्ट्रिक, तो हायर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, कम होने की वजह से ये लेफ्ट में शिफ्ट हो गई है। अगर दो स्टेजेस लेंगे तो एफ एच एस्ट्रिक पे क्या रोल आएगा? ये 64% हो जाएगी एफ एच की। 3 स्टेजेस लेने से जो एफ एच एस्ट्रिक है मेरा ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, तो एफ एच जो है हायर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि जितनी ज़्यादा स्टेजेस हम लेंगे उतना मेरी हायर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी।
अब हम लोअर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के लिए। तो सिंगल स्टेज के लिए जो गेन का फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू 1/√1 FL/f का होल स्क्वायर। एफ एल इज लो 3 dB फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंगल स्टेज। जब आप एन स्टेजेस लेंगे तो गेन भी एन टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ए एस्ट्रिक इज एन स्टेजेस का गेन इज इक्वल टू 1/√1 FL/f का होल स्क्वायर और ये टू द होल सारा होल स्क्वायर की पावर एन। अब इसको सॉल्व करते हैं। एफ की जगह जब एफ एल एस्ट्रिक रखेंगे तो ए एस्ट्रिक यानी गेन फॉर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो जाएगा 1/√2। तो इस फॉर्मूले में अब हम एफ को एफ एल एस्ट्रिक रखते हैं और ए एस्ट्रिक की जगह 1/√2 रखते हैं। तो 1/√2 इज इक्वल टू 1/√1 FL/f का होल स्क्वायर और ये पूरा होल स्क्वायर की पावर 1/n। अब इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट में और स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो ये आ जाएगा 1/FL/f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 1/n। तो एफ एल एस्ट्रिक जो है मेरा वो आ गया FL√2 की पावर 1/n-1। तो इस फॉर्मूले से मेरे को पता चल रहा है कि मेरा 3 dB लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बढ़ गई है। कितना बढ़ गई है? 1/√2 की पावर 1/n-1 टाइम्स। यानी जब आप ज़्यादा स्टेजेस को यूज़ करेंगे तो आपकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जब दो स्टेजेस को यूज़ किया तो FL 1.5 डेढ़ गुना हो जाएगा आपका। जब आपने 3 stages को यूज़ किया है तो एफ एल एस्ट्रिक आपका 1.96 ऑफ एफ एल हो जाएगी यानी ऑलमोस्ट 2 times यानी ट्वाइस हो जाएगी इसकी। तो डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, तो डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एफ एल एस्ट्रिक मेरा राइट में शिफ्ट हो गया है क्योंकि एफ एल एस्ट्रिक बड़ा है। तो अब जो मेरी बैंडविड्थ मुझे दिख रही है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की, डायग्राम में देखने से क्लियरली पता चल रहा है कि ऊपर जो एस्ट्रिक वाली बैंडविड्थ है वो मेरी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ है, नीचे जो बैंडविड्थ है वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ जो है मेरी कम हो गई है। तो इसका मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि जब मैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर ज़्यादा स्टेजेस कनेक्ट कर रही हूँ तो जितना टाइम्स मेरा गेन बढ़ रहा है उतना ही टाइम्स बैंडविड्थ भी कम होती जा रही है। तो ज़्यादा स्टेजेस लेने से आपका गेन तो बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी बैंडविड्थ जो है वो भी कम होती जाएगी क्योंकि गेन इनटू बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली यही है कि आपका सिंगल स्टेज के कंपैरिजन में जो मल्टी स्टेज के अंदर लो 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एफ एल एस्ट्रिक वो बढ़ जाएगी ज़्यादा स्टेजेस यूज़ करने से, उसी तरह से एफ एच जो है वो कम हो जाएगा। हायर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की वो आपकी कम हो जाएगी और इसी तरह से बैंडविड्थ जो है ओवरऑल ज़्यादा स्टेजेस की मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की बैंडविड्थ जो है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के कंपैरिजन में आपकी बैंडविड्थ कम हो जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।